For 17 years, I had it in my contract that I won't kiss on screen, have intimacy in my movies. Hello दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर. आज हम बात करने वाले हैं कैसे नाम की जो बॉलीवुड से लेकर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री तक अपना जलवा बिखेरती हैं. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तमन्ना भाटिया की. तमन्ना के करियर के बारे में तो आप सबको मालूम है, लेकिन आज हम उनकी लाइफ के कुछ ऐसे राज और अनसुनी कहानियों के बारे में जानेंगे जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी. तो चलिए शुरू करते हैं तमन्ना भाटिया की फैसिनेटिंग जर्नी का सफर. तमन्ना भाटिया ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत सिर्फ 15 साल की उम्र में कर दी थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अपना पहला प्रोजेक्ट एक म्यूजिक वीडियो के थ्रू किया था. हाँ, तमन्ना ने अभिजीत सावंत की एल्बम आपका अभिजीत के एक गाने लफ्जों में काम किया था. ये प्रोजेक्ट उनके लिए एक स्टेपिंग स्टोन बना, जहां से उनकी एक्टिंग जर्नी की शुरुआत हुई. बॉलीवुड में डेब्यू उन्होंने 2005 में चांद सा रोशन चेहरा फिल्म के साथ किया, लेकिन उन्हें असली सक्सेस साउथ इंडियन फिल्म से मिली. तमन्ना का असली नाम तमन्ना है, लेकिन उन्होंने अपने नाम में एच ऐड किया फॉर न्यूमरोलॉजी purposes. यहाँ तक कि उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि न्यूमरोलॉजी के चक्कर में उनका करियर और ज्यादा ब्राइट हो गया. ये एक सरप्राइजिंग फैक्ट है जो उनका बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी और डेस्टिनी को दिखाता है. तमन्ना एक प्योर वीगन है. उन्होंने अपनी हेल्थ और फिटनेस को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो किए हैं. एक वक्त था जब उनको स्किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, लेकिन वीगन डाइट और डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के साथ उन्होंने अपनी हेल्थ इश्यूज को ओवरकम किया. तमन्ना अपने फैंस को भी एनकरेज करती हैं कि वो हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं और प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करें. आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि तमन्ना का एक कनेक्शन हॉलीवुड से भी है. एक टाइम पर उन्होंने खुद बताया था कि उनका सपना है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक सुपर हीरो का रोल निभाना. तमन्ना की ग्लोबल अपील उनके फिल्म्स के थ्रू साउथ से बॉलीवुड और इंटरनेशनल ऑडियंस तक पहुंच चुकी है. बाहुबली द बिगनिंग उनके करियर का टर्निंग पॉइंट था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उससे पहले उन्हें कई फ्लॉप फिल्म्स का भी सामना करना पड़ा था. बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री में उनकी कई फिल्म्स फ्लॉप हो गई थी, लेकिन तमन्ना ने कभी हार नहीं मानी और अपनी एक्टिंग स्किल्स को पॉलिश करती रही. बाहुबली की सक्सेस उनके करियर को एक नए लेवल पर ले गई और वो एक पैन इंडिया स्टार बन गई. बाहुबली के सेट पर तमन्ना ने डिसिप्लिन और डेडिकेशन की एक मिसाल दी. रिपोर्ट्स के मुताबिक तमन्ना को अपने एक्शन सीक्वेंसेस के लिए हार्ड ट्रेनिंग करनी पड़ती थी, जिसमें उन्होंने स्पोर्ट फाइटिंग और हॉर्स राइडिंग सीखी. एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि उन्होंने अपने एक्शन सीन के लिए स्टंट डबल का यूज नहीं किया, बल्कि खुद वो स्टंट्स परफॉर्म किए. ये डेडिकेशन ही है जो उनको एक पावर हाउस परफॉर्मर बनाता है. तमन्ना को ज्वेलरी का बहुत शौक है, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका एक एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी कलेक्शन है. एक बार उन्होंने अपने लिए एक रेयर पिंक डायमंड खरीदा था, जो उनका सबसे फेवरेट पीस है. तमन्ना ने कहा था कि डायमंड्स उनके लिए एक इमोशनल वैल्यू रखते हैं जो उनकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं. तमन्ना अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी प्राइवेट रहती हैं, लेकिन एक वक्त था जब उनका नाम क्रिकेटर विराट कोहली के साथ जोड़ा गया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दोनों एक मोबाइल ब्रांड के एड शूट के टाइम पर मिले थे, लेकिन तमन्ना ने हमेशा अपने इंटरव्यूज में क्लेरिफाई किया कि वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को सेपरेट रखना पसंद करती हैं. तमन्ना के पेरेंट्स उनके लाइफ के रियल हीरोज हैं. उन्होंने हमेशा तमन्ना को सपोर्ट किया, स्पेशली जब उन्होंने इतनी यंग एज में अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. तमन्ना अपनी मदर को अपनी सक्सेस की बैकबोन मानती हैं, और उनका एक इंटरव्यू वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी फैमिली के बिना उनका सफर इतना स्मूथ नहीं होता. तमन्ना सिर्फ एक टैलेंटेड एक्ट्रेस ही नहीं, बल्कि एक पैशनेट फेमिनिस्ट भी है. उन्होंने अपनी फिल्म्स और इंटरव्यूज के जरिए हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट और जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया है. तमन्ना की एक स्पेशल इनिशिएटिव थी जिसमें उन्होंने अंडर प्रिविलेज्ड गर्ल्स के लिए एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को सपोर्ट किया था. तमन्ना एक मल्टीलिंगुअल एक्ट्रेस है. उन्होंने हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ फिल्म्स में काम किया है. वो हर लैंग्वेज को इतनी परफेक्शन के साथ डिलीवर करती हैं कि लगता है जैसे वो उस कल्चर का पार्ट है. इस स्किल की वजह से उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है. अब वो प्रोडक्शन में भी अपना कदम रखने जा रही हैं. उन्होंने रिसेंटली एक वेब सीरीज प्रोड्यूस करने का प्लान अनाउंस किया था जो वुमेन ओरिएंटेड थीम पर बेस्ड है. ये तमन्ना के पैशन को दिखाता है कि वो अपनी क्रिएटिविटी और स्टोरी टेलिंग को एक्सप्लोर करना चाहती हैं. तो दोस्तों, ये थी तमन्ना भाटिया की अनसुनी कहानियों से भरी जर्नी. कैसा लगा आपको तमन्ना के बारे में ये सब कुछ जानकर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, तमन्ना भाटिया के फैंस के साथ शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए डेली ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं. तो मिलते हैं आपसे कल एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ. तब तक के लिए कीप वॉचिंग फिल्मी अटैक. पीपल टॉक अबाउट नेपोटिज्म, पीपल टॉक अबाउट बीइंग आउटसाइडर्स. मैं ना इस इंडस्ट्री में बड़ी हुई हूँ.